लेकिन आपने कहा इंडिया अलायंस के साथ बातचीत करनी चाहिए मे बी द कांग्रेस कैन टर्न अराउंड एंड से हमने अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके सत्रह सीटें ले ली हैं तो हमारी तो सक्सेस है आम आदमी पार्टी के साथ भी आ, दिल्ली में कम से कम चार और तीन पर मामला सेटल होता हुआ नजर आ रहा है सक्सेस ये, ये तो मीडिया का ऑब्सेशन है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं और कौन इसका चेहरा बनेगा मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ जून में सिर्फ दलों के और नेताओं के एक साथ बैठने से एक साथ बैठकर चाय पीने से या स्टेटमेंट देने से कि हम लोग साथ में हैं और साथ में चुनाव लड़ना चाहते हैं या उनके प्रेस वार्ता करने से पब्लिक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पब्लिक पे फर्क तो तब पड़ेगा जब उस अलायंस का कोई नैरेटिव कोई एजेंडा सामने आएगा जो कि पब्लिक का जिससे सरोकार हो व्हाट इंडिया अलायंस इज ट्राइंग टू डू इज कि पहले लीडर्स को इकट्ठा कर लो दलों को इकट्ठा कर लो और उसके बाद नैरेटिव बना लेंगे तो वो मुझे लगता है कि इट इज लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स टाइम है और इज इट टू लेट डू यू थिंक इंडिया अलायंस वाकई में एक पोटेंट अलायंस है जो मोदी को चुनौती दे सकती है दे सकता था लेकिन उन्होंने सही समय पर इसको बनाया नहीं और जब बनाया उसके बाद जिस सिंसियरिटी से उस आइडिया पर उस नैरेटिव पर काम होना चाहिए था वो काम हुआ नहीं इन्होंने बनाया जून 2023 में कई लोग आप हम लोग सुनते हैं पब्लिक डोमेन में कि मोदी जी ने राम मंदिर का जो ये समारोह था एकदम टाइमड टू परफेक्शन की जनवरी में किया ताकि चुनाव में उसका लाभ उठा सके मान लीजिए कि इस बात को एक बार को सही मान लें कि चुनाव के लाभ के नज़रिए से ही ये पूरा मंदिर का काम किया गया लेकिन ये वो कर इसलिए पाए कि तीन साल या चाराल साल पहले उन्होंने ये सोचा होगा कि मंदिर का निर्माण इस गति से कराओ कि वो जन जनवरी 2024 में हम इसको कर पाए मतलब वो तीन साल चार साल पहले से अपनी 24 की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप उनसे लड़ रहे हैं विरोधी राजनीतिक विरोधी है तो आपको भी सोच के रहना है कि भैया मंदिर वाला मुद्दा आएगा चौबीस से पहले भाजपा मोदी जी उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो इनको भी तो तैयारी तीन साल पहले से सोच के करनी चाहिए थी ये तीन साल बैठे रहे चुनाव के छह महीने पहले उठ के इंडिया अलायंस बनाया अब अलायंस बनाने के बाद भी उनका आप वर्किंग आवर देखिए इंडिया की जो चार बैठकें हुई हैं जून से लेकर अभी हम लोग बैठे हुए फरवरी एंड में कुल चार इनकी बैठक हुई वर्किंग आवर आप मिलाकर अगर देखेंगे अगर दो दो दिन भी है तो दस दिन सात आठ दिन का टोटल काम हुआ है अगर ये सीरियस थे किसी वजह से लेट बना अलायंस तो किसने रोका था कि जून के महीने में ही सात दिन तक लगातार ये नेता एक साथ बैठे होते जितना काम अभी हो रहा है ये काम जून में हो गया होता है। अगर राहुल गांधी यूरोप सात दिन जा सकते हैं तो सात दिन बैठकर इंडिया एलायंस क्यों नहीं खत्म उसके सारे जो आयरनिंग आउट जिन विषयों पर करनी थी उसी समय कर लेते कांग्रेस ने यह किया कि इंडिया एलायंस बन गया उसके बाद इनको सफलता मिल गई कर्नाटक में तो इन्होंने सोचा पहले जितने राज्य के इलेक्शन हैं ये हो जाए इसमें इनका अनुमान था कि इनको बहुत बड़ी जीत मिलेगी तो वहां वन अपमैनशिप था कि अगर हमें जीत मिल गई तो हम इंडिया अलायंस को डिक्टेट कर पाएंगे या उसकी लीडरशिप हमारे पास रहेगी उसको हम अपने टर्म पर चला पाएंगे इस चक्कर में जून से लेकर दिसंबर तक इन्होंने कुछ किया नहीं जून में नतीजे उल्टे आ गए अब जनवरी में ना माया मिली ना राम समय भी हाथ से निकल गया दूसरे आपकी बात सुन भी नहीं रहे और आपकी अपनी इलेक्ट्रोल हालत खराब हो गई तो जब आपके एफर्ट में ईमानदारी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होगा ही होगा और परीक्षा आपके छह महीने के बाद है अब आप पूछ रहे हैं भाई क्या करें तो जीते भाई अब कुछ नहीं कर सकते हो जब साल भर आपने पढ़ाई नहीं की तब तो आप भगवान भरोसे ही गेस्ट गेस पेपर पढ़ के जाइए और ये होप कीजिए कि शायद जो सवाल आपने पढ़ा है वही आ जाए तो आप पास हो जाइएगा नहीं तो आपको आपका रिजल्ट तो आपके फेवर में नहीं आने वाला है